नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ बची हुई सब्जियों से चाट। ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बच्चे भी आराम से बना लेते हैं। जो भी सामग्री आपके घर पर हो वो उससे बना सकते हैं। जैसे चटनी हर घर में होती है हमेशा, लाल चटनी भी बनी हुई होती है आजकल फ्रिज के अंदर, और कुछ वेजिटेबल भी होती हैं, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं। किसी चीज से भी हम अच्छी चाट बना सकते हैं। और इसके लिए हमको कुछ पपड़ियों की जरूरत पड़ेगी, मट्टी पपड़ी जो भी हो हमारे पास, नमक पारे होते हैं वो ले लीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बची हुई सब्जी से चाट। तो हमने इसके लिए लिए है मटर की सब्जी है, मटर की जो मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी और वो बच गई है, तो मैं शाम को इसका नाश्ता बना रही बच्चों के लिए स्नैक्स। और ये सब्जी मैंने लंच में बनाई थी, ये भी बची हुई है आलू मटर की, आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हीं से बनाऊंगी। कुछ मैंने ये तिकोनी वाली मट्ठी ली है जो बहुत ही क्रिस्पी होती है। मैंने इनको घर पे बनाया था 2 दिन पहले, तो मैंने ये टाइट कंटेनर में इनको भर के रख दिया था। मैं ये चाट में इसका यूज करूंगी। ये दही लिया है, मथा हुआ दही। ये मीठी चटनी है, ये हरी चटनी, और ये थोड़ा सा है चाट मसाला। ये कुछ फ्रूट्स लिए हैं मैंने, अनार को छील लिया है और सेब मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि अभी काट देंगे हम, और एक नींबू लिया है। और ये मैंने एक प्याज लिए बारीक कटी हुई, थोड़ा सा मैंने कद्दूकस किया हुआ मूली लिया है, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ खीरा है, और ये थोड़ा सा अदरक है, एक हरी मिर्च है, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, कुछ मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं गार्निश के लिए। ये कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हो उससे भी बना सकते हैं आप। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर ये जो हमारे पास तिकोनी मट्टी है उनको इस तरह से तोड़ लेंगे। हम एक प्लेट के अंदर 3 से 4 मट्टी बनाएंगे, आप जितनी बनाना पसंद करते हैं। ये चाट हमको साथ के साथ खानी है, तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 मट्टियों को तोड़ कर डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं आलू मटर की सब्जी को डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी इस तरह से दही डाल देंगे और थोड़ी सी लाल चटनी डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर जो कसे हुए खीरे हैं उनको डालूंगी, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्थी भी होनी चाहिए। और प्याज को डाल देते हैं, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, और अब हम इसके अंदर मूली को डाल देंगे और थोड़े से टमाटर डाल देते हैं। अब थोड़ी सी दही और डाल देंगे, लाल चटनी। अब हम इसके अंदर हरी चटनी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से इसके ऊपर अनार के दाने डाल देते हैं, और हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नींबू डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारी एक टाइप की चाट बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना लगा देते हैं। अब मैं दूसरी तरीके की चाट बनाऊंगी, तो इसमें भी मट्टी को थोड़ा तोड़ लेते हैं। अब हम इनके ऊपर जो छोले बने हुए हैं हमारे उनको डालेंगे। अब मैं छोले के ऊपर थोड़ी प्याज डाल दूंगी और हल्की सी मूली, अदरक, और ये नागफल जो हमने काट लिया है उसको डाल देते हैं, सेब को डाल देंगे और हल्की सी मीठी चटनी भी डाल देते हैं, दही को डाल देंगे।
और हरी चटनी डाल देते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। थोड़े से टमाटर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे और अनार के दाने डालेंगे। इस तरह से हमारी दूसरी टाइप की चाट भी तैयार है। दोनों तरीका की चाट बनकर तैयार है। एक मैंने छोले मटर के छोले वाली चाट, ये मटर के छोले वाली चाट है और इसमें मैंने फ्रूट्स डाले हैं, और ये आलू मटर की बनी हुई चाट है जिसमें मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए इस तरह की चाट। इस तरह से हमारी चाट बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए।